हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पर। और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपको मालूम है, क्लास 10 चैप्टर 1 हमारी एनसीईआरटी की बुक का। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पर। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है भाई? केमिकल रिएक्शन का सीधा सा मतलब है क्या होना? केमिकल चेंज होना। केमिकल रिएक्शन का सीधा सा मतलब है केमिकल चेंज होना। अब केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज तो हम क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं भाई। केमिकल चेंज में क्या होता था? कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता था, है ना, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता था, यानी कि पुराने जो बॉन्ड्स होते थे, ओल्ड जो बॉन्ड्स होते थे वो ब्रेक होते थे, और न्यू बॉन्ड्स का क्या होता था बच्चों? फॉर्मेशन होता था। न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हम लिख सकते हैं, क्या होता है? न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल लिया मैंने H2 गैस, या यहां मैं फुल फॉर्म में ले लेता हूं इसको, कि मैंने हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, है ना, एक कंटेनर में ये दोनों चीजें ली, तो मुझे रिएक्ट करने के बाद क्या मिला? यहां पर वॉटर फॉर्म हो गया बच्चों। क्या हो गया फॉर्म? वॉटर फॉर्म हो गया। अब जब हमने इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग थी, वॉटर की प्रॉपर्टी अलग थी, और जो बन के आया उसकी प्रॉपर्टी अलग थी, यानी कि कोई नया सब्सटेंस बन गया। यहां से हाइड्रोजन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, और वॉटर अलग है, तो हमने क्या लिखा? न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन या न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन। तो ये क्या हुआ? केमिकल चेंज। यानी कि यहां पर क्या हुआ बच्चों? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन। तो आप समझ सकते हैं केमिकल रिएक्शन यानी कि नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होना। और हम कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। नए बॉन्ड जब बनते हैं तो जो एटम्स होते हैं उनका रीअरेंजमेंट होता है। अब इक्वेशन क्या है यहां पर भाई? रिएक्शन तो हो गया कि केमिकल चेंज, केमिकल चेंज यानी कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्म होना। अब यहां पर इक्वेशन क्या है बच्चों? जो केमिकल रिएक्शन होती है, जब हम उसको सिंबॉलिक फॉर्म में, हाइड्रोजन को मैं सिंबॉलिक में लिख लूं H2, ऑक्सीजन को लिख लूं मैं O2, और जब मैंने इसको वॉटर बना उसको मैंने फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? H2O। सिंबॉलिक फॉर्म में जब इनको लिखा तो ये बन गई बच्चों इक्वेशन, है ना, ये क्या हो गई? इक्वेशन हो गई। तो इसी को बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल रिएक्शन थी उसी की हमने इक्वेशन फॉर्म में लिख ली, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? केमिकल रिएक्शन से हम केमिकल इक्वेशन क्यों बनाते हैं भाई? यहां पर हम इतना लॉन्ग फॉर्म में लिख रहे थे, उसी को हमने शॉर्ट में लिखा। साइंटिस्ट ने क्या सोचा? ऐसे लिखने में हमारा समय भी बचेगा, दूसरी बात इसमें और एप्रोप्रिएट स्टडी हो जाती है। इसमें हम इसकी स्टेट भी लिखते हैं, हाइड्रोजन किसमें होता है? गैस फॉर्म में। ऑक्सीजन किसमें होता है? गैस फॉर्म में। और H2O किसमें होता है बच्चों? लिक्विड फॉर्म में। तो इसमें हमको एक तो हमारा समय बच रहा था, दूसरी बात हमें और अच्छी एप्रोप्रिएट स्टडी से हो रही थी कि हम इसकी स्टेट भी इसमें अच्छे से पढ़ पा रहे थे, कि हाइड्रोजन यहां से गैस फॉर्म में, ऑक्सीजन यहां से गैस फॉर्म में, और जो है वाटर वो लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। तो इसलिए हमने क्या लिया? केमिकल इक्वेशन। तो आप यहां समझ गए होंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जहां पर केमिकल चेंज होता है, इक्वेशन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, उसको क्या बोलेंगे बच्चों? उसको बोलेंगे हम बच्चों कौन सी? H2+O2, और गिब्स आउट क्या दे रहा था हमें? H2O। H2O। अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर हाइड्रोजन के दो एटम है, यहां पर भी हाइड्रोजन के दो एटम है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन के दो एटम है और यहां पे सिर्फ एक ही एटम है। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा है क्लास 9th में? लॉ ऑफ। तो दोस्तों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये जो लेफ्ट साइड का जो मास होगा वो इक्वल होना चाहिए राइट साइड के, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस लेफ्ट साइड वालों को बच्चों हम जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्टेंट यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहां पर क्या है? रिएक्टेंट। और राइट साइड में जो फॉर्म होता है बच्चों उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। लेफ्ट साइड में जो रहता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और राइट साइड में जो रहता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट का जो मास होगा वो और जो प्रोडक्ट का मास होगा वो इक्वल होना चाहिए, ना? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। आइए जरा चेक करते हैं। तो मैंने यहां पे चेक किया
कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है बच्चों, 1, दो हाइड्रोजन है तो 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है एक एटम का 16, दो है तो 32, इक्वल्स टू हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन एक ही एटम है तो 16। देखिए क्या आ रहा है यहां पर, 34 इक्वल्स टू 18 इज नॉट इक्वल। तो हमें तो इक्वल लाना था, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग इक्वल आना चाहिए था, लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहा, यानी कि यहां पर क्या है, जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करना पड़ेगा। हमने देखा कि हाइड्रोजन के दो एटम है, यहाँ भी हाइड्रोजन के दो एटम है, यहाँ ऑक्सीजन के दो एटम है, यहाँ एक ही एटम है। हम क्या करते हैं बच्चों, इसके अंदर कोई चेंज नहीं करते, बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने 2 से यहां पर मल्टीप्लाई किया, तो 2 से ऑक्सीजन में 2 होगा, तो ये 2 ऑक्सीजन होगा, यहां भी 2 थे, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन देखिए आप, 2 2 4, हाइड्रोजन ने मुंह फुला लिया, भाई हमको बिगाड़ दिया आपने, 2 2 4, और यहां पर तो 2 ही है। हम क्या करेंगे, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां 2 2 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, और यहां पर 2 ऑक्सीजन, यहां भी 2 ऑक्सीजन। अब जरा मास कैलकुलेट करते हैं, फोर हाइड्रोजन का 4, 2 ऑक्सीजन का 32 इक्वल्स टू, में यहां पर 4 हाइड्रोजन का 4, 2 ऑक्सीजन का 32, यानी कि ये 36 इक्वल्स टू 36 मास आ गया, जो कि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करता है। तो आप समझ गए कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अभी हम इसके वो 4 टाइप्स की हैं, कितनी टाइप्स की, 4 टाइप्स हमें दिए हुए हैं, जिसमें से बच्चा पहला टाइप जो है वो उसमें है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये तो आपको नाम से पता लग रहा होगा, कॉम्बिनेशन में क्या होगा, कॉम्बिनेशन में क्या बढ़ा रहा है बच्चों, कंबाइन होना, यानी कि रिएक्टेंट क्या करेंगे आपस में कंबाइन होंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट बी से मिलकर कोई प्रोडक्ट सी बनाएगा, एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट बी से मिलकर कोई प्रोडक्ट सी बनाएगा, यानी कि ए और बी क्या हो रहे हैं, कंबाइन होकर सी बना रहे हैं, इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लिया मैंने यहां पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन्होंने मिलकर क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, है ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ने मिलकर कार्बन डाई ऑक्साइड बनाया। अभी जो एग्जांपल लिया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर H2O बनाया। अभी बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं, अभी मैं जनरल आपको इक्वेशन बता रहा हूं। तो आप देख सकते हैं यहां पर दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखें क्या, डेफिनेशन क्या होगी, when two or more रिएक्टेंट, भाई दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, अभी हमने दो लिए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, when two or more रिएक्टेंट कंबाइन, क्या होगा, कंबाइन कॉम्बिनेशन है तो कंबाइन होगा, when two or more रिएक्टेंट कंबाइन एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इसमें हमेशा बच्चों जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल होगा, सिंगल हमेशा सिंगल प्रोडक्ट, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो होगा हमेशा सिंगल होगा, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इज सेड टू बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपको समझ में आ रही होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद हम चलते हैं सेकंड पर, जो है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन में जब हम कंबाइन कर रहे थे तो डिकम्पोजिशन में आप समझ गए क्या करेंगे, हाँ बिल्कुल सही, डिकम्पोज करेंगे, क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। तो सेकेंड टाइम हम लिखेंगे क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बच्चों कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया था, ए प्लस बी से मिलकर सी बना था, यहां क्या होगा, ए कोई रिएक्टेंट रहेगा वो बी प्लस सी में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। डिकम्पोजिशन वर्ड का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन होना, है ना, ब्रेक डाउन होना, वो खुद में ही टूटना।
ये जो रिएक्टेंट रहेगा वो बी प्लस सी या डी और भी ज्यादा प्रोडक्ट में यहां पर टूट सकता है। यहां वहां पर रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा होते थे लेकिन प्रोडक्ट एक होता था। यहां पर क्या होगा, रिएक्टेंट सिंगल होगा, प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। चलिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं, डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिया कैल्सियम कार्बोनेट, कैल्सियम कार्बोनेट को बच्चों जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट का साइन आप जानते हैं डेल्टा बनाते हैं हम, और डेल्टा नहीं बनाते तो आप हीट भी लिख सकते हैं, दोनों में से एक कुछ कर सकते हैं ना, डेल्टा बनाओ या हीट लिखो। हम यहां पर डेल्टा का साइन बना लेते हैं, जो ट्राइंगल का साइन होता है उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो कैल्सियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो यहां से हमें CaO यानी कि कैल्सियम ऑक्साइड प्लस यहां से जो गैस रिलीज होती है बच्चों वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस यहां से रिलीज होती है। और अपवर्ड एरो से हम क्या बताते हैं कि कोई गैस रिलीज हो रही है ना। तो कैल्सियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो कैल्सियम ऑक्साइड और CO2 गैस यहां से रिलीज होती है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर क्या दो प्रोडक्ट दे रहा है। व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज एंड गिव टू और मोर प्रोडक्ट, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज एंड गिव टू और मोर प्रोडक्ट इज नोन एज व्हाट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक सिंगल रिएक्टेंट खुद ही टूटकर हमें दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट देता है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम, थर्ड टाइप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं, थर्ड क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बच्चों कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन के बाद डिस्प्लेसमेंट, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपका फिजिक्स वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये हमारा जनरल टर्म डिस्प्लेस, डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी चीज को अपनी जगह से हटा देना। तो यहां ए एक रिएक्टेंट बी सी एक रिएक्टेंट से क्या करेगा, देखिए जरा, ए यहां से, ए यहां से जो लेस रिएक्टिव होगा उसको हटाकर खुद उसकी जगह ले लेगा, यानी कि बी को हटाकर उसकी जगह ले लेगा और बी को क्या कर लेगा, डिस्प्लेस कर देगा। ए ने बी को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह पर आ गया। तो रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, एसी प्लस बी। चलिए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लें, एग्जांपल लिया मैंने जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो आपको मालूम है बच्चों, नहीं मालूम तो बता दे रहा हूं, जो जिंक होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद आयरन और उसके बाद कॉपर, कॉपर सबसे आखिर में आता है, जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहां पर क्या होता है, इस रिएक्शन में जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को क्या कर देता है, अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। तो जिंक आप देख सकते हैं यहां पर ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा। तो यहां क्या होगा, जिंक जिंक सल्फेट का यहां पर सॉल्यूशन हो जाएगा और यहां से क्या डिस्प्लेस हो जाएगा बच्चों, कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। अगर कॉपर डिस्प्लेस हो गया है तो ये रिएक्शन क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर एक चीज डिस्प्लेस हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल लें, चलिए यहां पर मैंने लिया कि जिंक किसके साथ, फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ, फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ। यहां भी देख सकते हैं आप जिंक फेरस से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या होगा, यहां भी जिंक फेरस को अलग कर देगा और ये सॉल्यूशन होगा जिंक सल्फेट का, और ये जो फेरस यानी जो आयरन है वो क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर डिस्प्लेस हो जाएगा। चलिए दो रिएक्शन तो आप अच्छे समझ गए होंगे, एक रिएक्शन मैं आपको देता हूं, क्या कॉपर जिंक सल्फेट से रिएक्ट करके कोई रिएक्शन बनाएगा क्या, जरा ये बताइए ये रिएक्शन क्या होगी, कॉपर और जिंक सल्फेट की अगर मैं रिएक्शन पूछूं आपसे तो ये रिएक्शन क्या होगी बच्चों। आप यहां से देख सकते हैं कि जो कॉपर है वो जिंक से कम रिएक्टिव है, भाई जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर यहां पर कम रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ये रिएक्शन नहीं हो सकती। कॉपर के पास इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो जिंक को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर सके, यानी कि यहां पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। हमने क्या पढ़ा इसमें, इसमें मोस्ट रिएक्टिव यानी जो ज्यादा या मोर रिएक्टिव जो मेटल है, मोर रिएक्टिव जो है वो लेस रिएक्टिव को हटा सकता है, लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को नहीं हटा सकता। तो आप समझ गए होंगे कि मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को हटाएगा, जब हम उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। अब पता कैसे चलेगा कौन मोर रिएक्टिव है कौन लेस, तो इसके बारे में हम चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल में हमको पढ़ने को मिलेगा, जहां पर हमें पूरी एक टेबल मिलेगी रिएक्टिविटी सीरीज की। अभी आप ये चीजें याद रखिए, यहां से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं रिएक्शन के फोर्थ टाइप पे, जो कि है हमारा
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये क्या थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहां पर एक सिंगल एटम या एक सिंगल आयन क्या हो रहा था डिस्प्लेस हो रहा था। अब डबल डिस्प्लेसमेंट आप नाम से समझ गए होंगे, फोर्थ टाइप है कि इसमें कोई दो आयन डिस्प्लेस होंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चरण रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, दो आयन एक्सचेंज होंगे, ए बी प्लस सी डी यहां पर रिएक्ट करेंगे, अब ए किसकी जगह जाएगा सी की जगह, और सी किसकी जगह चला जाएगा ए की जगह, तो ए सी की जगह आएगा तो यहां क्या बनेगा बच्चों ए डी, और जो सी है वो ए की जगह जाएगा तो वहां क्या हो जाएगा बी सी या सी बी जो भी आप बोल सकते हैं, यहां पर ए डी हो जाएगा, यहां पर बी सी, वो बी सी हो जाएगा, यानी कि यहां क्या हो रहा है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन आ रहा है। अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने लिया यहां पर एक सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट और क्या लेने यहां पर बेरियम क्लोराइड लेने क्या है ना, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मैंने यहां पर लिया। अब मुझे मालूम है कि सोडियम बेरियम की जगह लेगा और बेरियम सोडियम की जगह लेगा, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होना है, तो यहां पर क्या बन जाएगा देखिए, यहां पर बनेगा बच्चों जो यहां पर सॉल्ट बनेंगे एक बेरियम सल्फेट का सॉल्ट बनेगा और एक NaCl बन जाएगा। भाई बेरियम सोडियम की जगह चल जाएगा और सोडियम कहां जाएगा यहां पर बेरियम की जगह जाएगा, तो यहां पर बेरियम सल्फेट और NaCl बन जाएगा। क्या हो रहा है यहां पर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं ना, म्यूचुअल एक्सचेंज बोलते हैं इसको हम, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन। आयन क्या होता है, आयन ये आयन होते हैं, इनको आप जब इसको ब्रेक डाउन करोगे आप Na2SO4 को देखिए इसमें ब्रेक डाउन होगा, ये होगा बच्चों Na+SO4 2-, अब जो पॉजिटिव है उसको कैटायन बोलते हैं, जो नेगेटिव है उसको एनायन बोलते हैं, ये तो आयन है, तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, उसी क्या बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हेन म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको चारों टाइप इस रिएक्शन के अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले टाइप पे, इसके जो हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी वो बच्चों तीन तरह की होती है, थ्री टाइप्स की होती है, तो हम उसको देखेंगे जरा, क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि किसी रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करना तोड़ना, वो हम तीन तरीके से करते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हम उसको देखेंगे वो कौन से तीन तरीके हैं। वो हमारा कौन सा टाइप था बच्चों, सेकेंड टाइप था डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, डिकम्पोजिशन को हम तीन तरीके से करते हैं, जिसमें जो पहला तरीका बच्चों वो है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या हीट, और हीट की प्रेजेंस में जब करते हैं तो उसको हम कौन सा रिएक्शन बोलते हैं बच्चों, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, है ना थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल वर्ड का मतलब ही होता है हीट, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, जब हीट के द्वारा हम किसी रिएक्शन को ब्रेक डाउन करेंगे उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल हमने लिया था, क्या लिया था कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया था तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस यहां से लिबरेट हुई थी कि नहीं याद है, क्या भूल गए इतने जल्दी, चलिए अच्छी बात है नहीं भूले, तो कैल्शियम ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड मिली, ये हीट की प्रेजेंस में हुई थी, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का सेकेंड टाइप है बच्चों जो कि किसके प्रेजेंट में होगी, सनलाइट के अगर प्रेजेंस में होगी तो इसको हम बोलेंगे बच्चों फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, ये कौन सी अगर सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल ले इसका, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट की प्रेजेंस में अगर मैं ब्रेक करूं, सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक करूं तो बच्चों ये Ag+Br2 में ब्रेकआउट होती है, Ag+Br2 में ब्रेकआउट होती, और इसको हम जब ब्रेक कर रहे हैं यानी कि किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो कौन सी रिएक्शन हो गई फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का सेकेंड टाइप फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, ये सनलाइट है SL, और बच्चों ये रिएक्शन जो यूज होती थी हमारी जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी है, ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी थी जो पहले उसमें ये रिएक्शन यूज होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, तो ये रहा सेकेंड टाइप। अब इसका थर्ड टाइप देखें, क्या थर्ड टाइप देखें, एक हीट के लिए थर्मल डिकम्पोजिशन, सनलाइट के लिए फोटोलाइसिस, अब बच्चों एक और होती है क्या, हीट हो गया सनलाइट हो गया, अब बच्चों एक इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम डिकम्पोजिशन किसी चीज का इलेक्ट्रिसिटी के लिए करें, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए करें तो उसको हम बोलते हैं बच्चों क्या इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस,
इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन करना, डिकम्पोज करना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल देखिए क्या, किससे करें, H2O हमने जो वाटर लिया था, H2O हमने जो वाटर लिया था, अगर इसमें मैं इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट डाल दूं तो ये बच्चों क्या होता है, ये हो जाता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में अलग अलग। क्या समझे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी को जब आप तोड़ोगे और इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ोगे तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा यहां पर। तो ये प्रजे किसके प्रजेंस में हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये हो रही थी हमारी किसकी, सनलाइट की प्रजेंस में, वो क्या था, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, और हीट की प्रजेंस में होगी तो थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये थे हमारे तीन तरह के डिकम्पोजिशन के रिएक्शन के टाइप्स। अब चलते हैं हम किस पे बच्चों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो दोस्तों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टाइप्स होने के बाद हम अब चलते हैं किस पे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ये क्या चीज है भाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसको समझते हैं जरा। किसी रिएक्शन में अगर किसी सब्सटेंस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो बच्चों इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एक और टर्म में हमारे सिलेबस में इसको डिफाइन किया है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी अगर होता है तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एग्जांपल से अच्छे तरीके समझते हैं, अभी देखने समझे, ऑक्सीडेशन यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी चीज में ऑक्सीडेशन को मिला देना, ऑक्सीजन का जोड़ देना, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उस चीज से हाइड्रोजन को हटा लेना, क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन होता है। वैसे ही बच्चों रिडक्शन जो है वो इसका जस्ट अपोजिट होगा, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा आपका रिडक्शन। और हाइड्रोजन की टर्म में इसको समझे तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर ऑक्सीडेशन है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वैसे ये जो डेफिनेशन है ये अप्रोप्रिएट बिल्कुल करेक्ट नहीं है, हायर लेवल पे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन के टर्म में, लेकिन आपके सिलेबस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में तो हम इसी में समझते हैं, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन, अगर रिडक्शन की बात करें तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक दूसरे के अपोजिट। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल दिया मैंने एक CuO, क्या है ये, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड को मैंने जब हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया तो इसने मुझे बच्चों दे दिया यहां से कॉपर अलग, और हाइड्रोजन ले गया ऑक्सीजन को और उसने बना लिया वाटर। कॉपर ऑक्साइड को जब मैंने हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया तो इसने क्या किया, कॉपर तो यहां पर अलग हो गया और हाइड्रोजन ले गया ऑक्सीजन और उसने क्या बना लिया वाटर। अब आप यहां पर जरा टेक्निकल टर्म में समझिए कि कॉपर के पास जो ऑक्सीजन था भाई वो हट गया है, कॉपर के पास जो ऑक्सीजन था वो हट गया है, अब सिर्फ कॉपर बचा है। ऑक्सीजन हटने को क्या बोला जाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को बोला जाता है रिडक्शन, यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड का जो हो गया है वो क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया, किसका हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का हुआ है, ना कि कॉपर का, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा है तो रिडक्शन किसका हुआ है, कॉपर ऑक्साइड से। अब यहां पर H2 अकेला था और यहां पर H2O हो गया, यानी कि इसका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन मिल गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन बोला जाता है, यानी कि हाइड्रोजन का क्या हुआ है बच्चों, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या ये चीजें क्लियर है, बिल्कुल, है ना, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा तो रिडक्शन, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन, और सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच बोथ आर टेक प्लेस, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ऐसी रिएक्शन को बच्चों हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, जिन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो वो होती है रेडॉक्स रिएक्शन, और हम जो पढ़ते हैं वो 99% रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होती है, यानी कि उनमें कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में हो रहा होता है ना। तो हमें ये आंकड़ा याद नहीं रखना, बस आपको ये याद रखना है कि रिडॉक्स होता क्या है या ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, रिडॉक्स मतलब रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, और साथ में जब हो रही है तो रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप यू क्लियर दिस, है ना। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सोथर्मिक, क्या है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक।
अब बच्चों जो थर्मिक वर्ड आ रहा है उससे आप समझ तो गए होंगे कि यहाँ हीट से रिलेशन है भाई, क्योंकि अभी हमने थर्मल डिकम्पोजिशन किया था, वहां पे बताया था कि थर्मल मतलब होता हीट ही है। अब बच्चों जो एक्सो है वो रिलीज के लिए है और एंडो है वो एब्जॉर्ब करने के लिए है, है ना। अगर किसी रिएक्शन में क्या हो, हीट के लिए तो है थर्मल, लेकिन यहां पर हीट भी क्या होती है, एनर्जी होती है, तो हम यहां एनर्जी की टर्म में लेके चलेंगे या हीट के भी लेके चलते हैं। अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी जो है या हीट जो है वो क्या हो, रिलीज हो, बच्चों क्या हो, रिलीज हो, किसी रिएक्शन में अगर एनर्जी रिलीज हो रही है उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर इसके अपोजिट किसी रिएक्शन में एनर्जी क्या हो, एब्सॉर्ब हो, भाई हमको क्या देनी, एनर्जी देनी पड़े, खुद से देनी पड़े, यानी वो एब्सॉर्ब करेगा, तो उसको रिएक्शन क्या बोलेंगे हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। आइए एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बना रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था, ये बना रहा था क्या, कार्बन प्लस। तो बच्चों एक्सोथर्मिक का हम क्या लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। तो एक्सोथर्मिक के एग्जांपल में सबसे पहले हम देखते हैं किसी कार्बन कंपाउंड, यानी कि ये मीथेन होता है CH4 को अगर मैं बर्न करूं, बर्न करना यानी बच्चों ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना, हमको मालूम है आग जलाने की ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो CH4 को जब मैं बर्न करूंगा, किसी भी आप कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को बर्न करोगे तो हमेशा आपको CO2 और वाटर देगा, किसी भी इसकी जगह मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, आगे मैं पढ़ाऊंगा ये चैप्टर 4 में, इसको बर्न करोगे आप तो CO2 और H2O, और साथ में बच्चों यहां से निकलती है एनर्जी, क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, और ऐसी रिएक्शन जहां हीट रिलीज होगी उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। अच्छा आप जानते हैं क्या रेस्पिरेशन या रेस्पायरेशन, जो भी आप इसको पढ़ते हैं, रेस्पिरेशन या रेस्पायरेशन, जो हम श्वास लेते हैं, श्वास लेते हैं, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप पूछोगे सर हम तो सांस ले रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, ये रेस्पिरेशन रिएक्शन, ये रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे हुआ, तो आइए जरा समझते हैं इसको, अच्छे से जरा समझते हैं, एक मिनट यहां से रेज कर लें क्या चीजों को, तो हमें थोड़ा सा क्लियरिटी आएगा। अभी एंडोथर्मिक हम बाद में लिख लेंगे, अभी हम क्या समझते हैं, रेस्पिरेशन कैसे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो रेस्पिरेशन में होता क्या है बच्चों, जो फूड होता है, फूड यानी कि ग्लूकोज C6H12O6 जो हमें प्लांट से सीधा मिल जाता है हमारी बॉडी, तो ये फूड जो होता है इसको ये हम सीधा बॉडी में लेते हैं और इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। अब आपको मालूम है कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो भी कंपाउंड होते हैं वो जब ऑक्सीजन के साथ उनकी रिएक्शन की याद कराई जाती है तो हमें क्या देते हैं, CO2 देते हैं और वाटर देते हैं, और साथ में क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, देते हैं कि नहीं, तो ये एनर्जी निकलना ये तो हमारी बॉडी को मिलती है खाने के द्वारा, भाई खाना खाया हमने और ऑक्सीजन हमने यहां से इनहेल की तो ये चीजें हमारी बॉडी में मिली, और ये एनर्जी किस फॉर्म में मिलती थी, क्लास 9th में पढ़ा था, ATP के फॉर्म में मिलती है ना, ATP के फॉर्म में, तो ये एनर्जी मिलना यानी कि एनर्जी निकल रही चीज, तो एनर्जी निकलना क्या थी हमारी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, इसलिए जो रेस्पिरेशन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम चलते हैं एंडोथर्मिक पे, है ना, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में क्या होगा, एंडोथर्मिक में बच्चों हीट एब्जॉर्ब होगी, अगर इसमें रिलीज हो रही है तो इसमें क्या होगा, हीट या एनर्जी जो है वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी क्या होगी बच्चों, एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब का मतलब क्या है, चलिए आइए देखते हैं। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी, डिकम्पोजिशन मतलब किस चीज को तोड़ना होता था, अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं इस मार्कर को, इसको ब्रेक डाउन करना है, तो मैं इसमें ताकत लगाऊंगा भाई, एनर्जी दूंगा, और एनर्जी दे रहा हूं यानी कि एंडोथर्मिक, वो एनर्जी देनी है हमको रिएक्शन को, एनर्जी देना यानी कि एंडोथर्मिक, यानी कि हम कह सकते हैं कि जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो सभी क्या होती है बच्चों, वो सभी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल ले क्या, इसका एग्जाम्पल ले, इसका अपोजिट ले ले, इसका अपोजिट ले ले, क्या CO2 + H2O, इसका अपोजिट CO2 + H2O, ये क्या है, ये आपने प्लांट्स में देखा है, कौन सी रिएक्शन, ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, वेरी फेमस रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, प्लांट्स अपने स्टोमेटा CO2 पानी और सनलाइट लेते हैं, और किसकी प्रेजेंस में, यहां पर क्लोरोफिल नाम के एक पिगमेंट आता है, उसकी हमें अभी जरूरत नहीं है, और वो क्या बना लेते हैं बच्चों, वो अपना खाना बना लेते हैं भाई, ये C6H12O6,
और देखो अब इसमें सनलाइट यानी कि एनर्जी वो ले रहे हैं ना कि रिलीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। और सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट या एनर्जी क्या हो, एब्सॉर्ब हो, और कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है, एंडोथर्मिक है। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक थी तो फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स अपना खाना किस रिएक्शन से, एंडोथर्मिक है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई। और डिकम्पोजिशन कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में क्लियरिटी आई क्या, एक्सोथर्मिक जिनमें हीट या एनर्जी रिलीज होती है, एंडोथर्मिक जिनमें हीट एब्सॉर्ब होती है, हमें अलग से देनी पड़ती है। तो ये रहा बच्चों हमारा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं कहां पर, हमारा कोरोजन रेंसिडिटी के बारे में पढ़ते हैं कि कोरोजन क्या होता है। तो दोस्तों अब हमारा जो टॉपिक है वो है कोरोजन, क्या है, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है बच्चों, जब जो मेटल्स होते हैं, क्या मेटल्स, मेटल्स क्या, जब किसके, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, मॉइस्चर है ना, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं या एसिड वगैरह के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये क्या कर लेते हैं, अपने आप को कोरोड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कोरोड कर लेते हैं। कोरोड क्या हो जाता है बच्चों, इनपे एक अलग लेयर बन जाती है, इनपे एक अलग लेयर बन जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, कोरोजन है ना। मेटल जो मॉइस्चर या एसिड के वगैरह के संपर्क में आते हैं और अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, यानी कि मॉइस्चर वगैरह में हमारे एनवायरमेंट में ऑक्सीजन होती है और उससे अपने आप को ये क्या कर लेते हैं, ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, और ऑक्सीडाइज जो होती है उसकी एक लेयर बन जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोड हो गया, और उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। अब कोरोजन से एक और वर्ड आता है यहां पर रस्टिंग, अभी करीब करीब सिमिलर है, लेकिन बच्चों रस्टिंग हम कब बोलते हैं, जब कोरोजन या कोरोड क्या हो, आयरन हो, क्या हो, आयरन हो, आयरन, आयरन यानी कि एफी, एफी जब कोरोड होता है उस प्रोसेस को हम रस्टिंग बोलते हैं। अच्छा होता क्या है, जो एफी है बच्चों, एफी है वो मॉइस्चर या एसिड या एनवायरमेंट के जो ऑक्सीजन है उससे या वॉटर से, मॉइस्चर से रिएक्ट करके ये क्या कर लेता है, ये हाइड्रेटेड कुछ यहां पर ऑक्साइड बनाता है जिसका फॉर्मूला है आपका Fe2O3.xH2O। ये क्या है बच्चों, ये रस्ट है, रस्ट। और ये जब रस्ट जम जाती है किस पे, हमारे आयरन पर। आपने देखा होगा जब हम नया मेटल लेते हैं तो बिल्कुल चमकदार होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका कलर चेंज हो जाता है। तो उस कलर चेंज क्यों हो जाता है, वो उन पर नई परत चढ़ने लगती है, ऑक्सीजन जो ऑक्साइड की परत है वो चढ़ने लगती है, तो रस्टिंग, ये रस्ट होने लगता है। और आयरन पर जब रस्ट होता है तो हम पूरी प्रोसेस क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। तो ये कोरोजन वगैरह आप डेली लाइफ में देखते हो, आपका लोहा खराब होता है भाई, सिर्फ में जंग लग जाती है, आपके बाहर जो भी मेटल वगैरह लगे हुए हैं वो खराब हो जाता है। अगर आपकी साइकिल आप देखी हो तो उस पर आप न्यू जो ब्राउन परत होती है, रेडिश कलर की ये चढ़ जाती है। तो ये सब क्या होता है, ये रस्टिंग होता है। अब इसका एक और टॉपिक है कोरोजन के अलावा, रेंसिडिटी। ये रेंसिडिटी क्या है, बहुत ही सिंपल से टॉपिक है, ये खुद भी आप समझ सकते हैं, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी में आपने देखा होगा बच्चों, जो फूड मटेरियल होते हैं, जो फैट कंटेनिंग मटेरियल होते हैं या ऑयल कंटेनिंग मटेरियल होते हैं, ऑयल या फैट कंटेनिंग मटेरियल होते हैं, जैसे कि आपकी मार्केट से आप चिप्स लेते हो या नमकीन की पैकेट लेते हो ना, चिप्स वगैरह लेते हो, तो आपने देखा होगा कि चिप्स के साथ उसमें कितनी गैस भरी हुई होती है ना, गैस भरी हुई होती है। तो गैस क्या है, वो गैस इसलिए भरी जाती है ताकि ये ऑक्सीडाइज ना हो। ये ज्यादा समय तक हम अगर इस पैकेट को खुला रख देंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और ऑक्सीडाइज होने से क्या होता है बच्चों, इनकी जो स्मेल होती है, फूड मटेरियल की स्मेल होती है ना, जिसको हम ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर मिलेगा आपको वर्ड, ऑर्डर, ODER, ऑर्डर भी आने की स्मेल वो होती है, या इसका टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है, वो चेंज होता है, स्मेल या जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है, और तो इसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। तो इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम इसको इस चिप्स पैकेट या जो भी नमकीन पैकेट होती है आपकी, उनको हम नाइट्रोजन गैस से फ्लश करते हैं। नाइट्रोजन गैस से क्यों, क्योंकि ये इनर्ट गैस है, जल्दी से रिएक्ट नहीं करती और ऑक्सीडाइज नहीं होने देती चीजों को, जिसकी वजह से हमारे जो आपकी जो चिप्स वगैरह के पैकेट है कई बहुत लंबे समय तक चल पाते हैं, इनकी जो स्मेल है या टेस्ट खराब नहीं होता। तो बच्चों ये था हमारा कोरोजन और रेंसिडिटी, बहुत ही इजी से टॉपिक थे। तो इस पूरे वीडियो में बच्चों हमने क्या किया, चैप्टर वन के एनसीईआरटी के जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन थी उसको पूरे कवर करने की अच्छे तरीके से कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या इस वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम डेफिनेटली उस पर डिस्कस करेंगे और एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे बच्चों, उसमें हम जो है केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है उसके बारे में देखेंगे, और इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज के उनको भी डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर विद योर फ्रेंड्स।